अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अल्लाह के फजल करम से आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था, अब ट्रैवल व्लॉग आएगा, एक फूड व्लॉग दो तीन के बाद अब एक ट्रैवल व्लॉग आएगा। आज हम जा रहे हैं एक जगह, उस जगह का नाम है घोघुल डारा। आपने नहीं सुना होगा नाम, बहुत ज़्यादा लोगों ने वो जगह नहीं देखी होगी, लेस एक्सप्लोर जगह है। आज हम जाएंगे उस जगह और मेरे साथ है आशिक और आदिल। आदिल को तो आप जानते हैं, उबैद को भी आप जानते हैं, और मेरा छोटा कज़न इधर आ। और मेरा छोटा कज़न आज पहली बार मेरे साथ आ रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ज़ोर से बोलना, अच्छा लग रहा है। इसको अच्छा लग रहा है, पहली बार इसको मैं अपने साथ ले रहा हूँ। और ये है एज़ यूजुअल मोमेंट, तीन बाइक्स पे जा रहे हैं और मिलते हैं आगे, आपका टाइम वेस्ट किए बिना। गुलमर्ग टंगमर्ग रोड से जाना है आपको, फिर एक जगह मागम में आपको लेफ्ट निकलना है और पहुँचते हैं कुछ ऐसी खूबसूरत जगह पे जो कि आप देख सकते हैं। हम रुक गए जी पहले यहाँ पे, पहले पढ़ेंगे नमाज, बाइक्स रखी यहाँ, पहले नमाज अदा करेंगे उसके बाद चलेंगे आगे। लुत्फ अंदोजी कीजिए, बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी और हम यहाँ पेड़ के नीचे छाँव में बैठ गए। थोड़े टाइम को रुकेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और जी गाइस हम पहुँच गए, आप देखिए कितना खूबसूरत है, प्यारा मौसम, प्यारा मौसम, प्यारी जगह और प्यारे लोग। वो छोटे छोटे भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं यार, इनके साथ बात करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और इधर की खूबसूरती देखिए गाइस, छोटू हाय करो, हाय करता हूँ जी पर, हाय कर, हाय, थैंक यू यार 50-50, ओके सर, ओके। जरा आशिक इधर आना, जरा कुछ बोलना, कुछ बोलना। बहुत मजा आया, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, सारे लोग। कैसा मजा है? नहीं, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, देखो व्यू। अब इससे ज्यादा क्या होगा, इतने व्यू देखा। मोमिन, मोमिन, हाउ डू यू फील? मोमिन, 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 आदिल, आदिल कैसा लगा? भाई अच्छा मजाक था। अतीम कैसा लगा मेरे साथ पहली बार आके? बहुत अच्छा। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत अच्छा, बहुत ही मजा आया, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है, और ये आ गया रमजान, श्रीनगर में धूप हो रही है जैसे घोड़ा, बारिश हो रही है जैसे घोड़ा है। घोड़ा, 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 ओह माय गॉड, घोड़ा, घोड़ा, कहाँ गया? बेलगाम में सबसे ज्यादा घोड़े, देखिए घोड़ा, 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 दुनिया में पहली बार हमने ऐसा घोड़ा देखा है। घोड़े की सवारी में फरारी ऊपर वहां से जो बॉर्डर दिख रहा है ना आपको, ये है पाकिस्तान। हम जहां गए थे वहां से हम वापस आ रहे हैं, और यहां से एक पॉइंट हमने देखा, यहां के लोग बोल रहे हैं कि ये सारा श्रीनगर दिख रहा है यहां से, ये जो है ये सारा श्रीनगर है। वो जहां आपको धूप नज़र आ रही है, यहां तो मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, जहां आपको वो धूप नज़र आ रही है वो श्रीनगर है सारा। और वो शंकराचार्य का पहाड़ कहां गया, वो है ये टावर भी आप देख सकते हो, यहां से सारा श्रीनगर दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहां पे। कैसा लगा आपको? मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, नहीं इसको मज़ा ही नहीं आया। उबैद, कुछ कहना आपका? क्या कहेगा? सच सच बोलो ना, आज भी परसों की तरह कैसा लगा? आज रोड अच्छा
वहाँ था, जगह भी अच्छी थी, लेकिन जहाँ पे हम पहुँचे वो जगह था। इन्होंने बोला हम जाएंगे तोसा मैदान है यहाँ से एक जगह का नाम, वहाँ जाएंगे और अब देख रहे हैं वापस जा रहे हैं, अब जाएंगे वहीं की ओर, मगर यहाँ से बारिश हो गई उसकी वजह से शायद पहुँच नहीं पाएंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ से मतलब ऑफ रोड है और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा रोड ख़राब होगा, इसलिए मुझे लगता है बारिश की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहे साथ। बारिश बहुत 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 ज़्यादा हो गई, हम सारे पूरे भीग गए, हमें आधे रास्ते में रुकना पड़ा एक जगह, हमने वो बाइक्स लगाई नीचे, अब यहाँ पे इन्होंने जगह दे दी रहने के लिए और अब हम जा अंदर इधर बैठेंगे हम। देखिए सारे पूरे भीगे हुए, अब हमें यहाँ थोड़ी जगह मिली, अब हम यहाँ रेस्ट करेंगे, थोड़ा गर्मी वर्मी करेंगे और फिर चलते आगे। ओह कपड़े वपड़े सारे भीग गए, कुछ बोलो कुछ बोलो अतीब, ठंड मत लगी ज्यादा? नहीं। चलिए जी फ्रेंड्स, तो चलते हैं वापस, बारिश अभी भी बंद नहीं हुई, मगर हम अब ऐसे ही निकलेंगे अपने काफिले पे वापस, जाएंगे आप घर की ओर वापस। Ancestors of all snakes had UV sensitive world vision, but most snakes that depend on their eyesight to hunt in daylight. और जी अब पहुंच गए डायरेक्ट घर, अभी बज गए 9, इतना ज्यादा लेट पहुंच गए घर। अब प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज सपोर्ट कीजिएगा।